हेलो गाइज, वेलकम बैक टू माय चैनल जूही डॉट चंदन। कैसे हैं आप लोग? आई होप अच्छे होंगे। और दोपहर के अभी 11 बज गए, तो अभी मैं फ्री हो गई हूँ। अभी मैं नहा के आई हूँ और मेरे यहाँ 2 दिन से इतनी बारिश हो रही थी कि इतना कपड़ा ज़्यादा हो गया था। फिर मैं 2 दिन से कपड़े नहीं धो रही थी, बारिश हो रही थी तो मैं कपड़े कैसे धोऊंगी, क्योंकि बारिश हो रही थी तो बाहर सूखता नहीं कपड़े। फिर मैं छोड़ ही दी थी, मैं सोची जब धूप आएगा तब मैं धोऊंगी, क्योंकि हाथ से धोना पड़ता है। तो इतने कपड़े हो गए थे। और चीकू जब हम कपड़ा धोने जाएंगे बाथरूम में तो यूँ भी जाता है साथ साथ, मेरे से ज़्यादा कपड़ा यही धो देता है। तो फिर मैं इसको दूसरे के घर छोड़ाई थी, जाके एक दीदी के घर छोड़ाई थी, तो वहीं पे ये चीकू थोड़ी देर खेला है। तब तक मैं क्या की हूँ कि सारा कपड़े धोई हूँ और मैं ब्रेकफास्ट मॉर्निंग में ही बनाई थी तो मैं खाई हूँ। चीकू के पापा को भी दी हूँ और चीकू को भी खिला दी हूँ ब्रेकफास्ट। उसका चीकू को नहा वहा के फिर दूसरे के घर छोड़ आए थे अपना। तब तक मेरा सारा काम हो गया इधर। और अभी दोपहर का खाना बनाना है, तो अभी मैं खाना नहीं बनाई हूँ, तो अभी मैं थोड़ा नहा के आई हूँ तो थोड़ा रेडी हो जाती हूँ। उसके बाद मैं दोपहर का खाना बनाने जाऊँगी। और चीकू को देखिए क्या कर रहा है। चीकू क्या कर रहा है बेटू? चीकू खेल रहा है बेटू। चीकू अभी बाहर से खेल के आया है, धूप में से मिट्टी मिट्टी करके आया है, फिर थोड़ी देर रोया है। जब मैं इसको बाहर से लाती हूँ तो इतना रोने लगता है, खूब रोता है ये, थोड़ी देर तक तो रोएगा, उसके बाद इसको शांत करना बहुत मुश्किल हो जाता है। फिर अभी बेचारा चुप है तो थोड़ी देर खेल लेगा। और मुझे बहुत काम भी अभी करना है, अभी दोपहर का खाना बनाना है, उसके बाद मुझे शाम को कहीं जाना भी है। और मेरा किचन है ना थोड़ा गंदा हो गया है ज़्यादा, तो मैं किचन का भी सफाई करूँगी। खाना पहले बना लेती हूँ, उसके बाद मैं किचन की सफाई करूँगी, फिर तैयार होकर फिर कहीं जाऊँगी घूमने भी। तो मैं जा रही हूँ, पहले खाना बनाती हूँ। तो आप मेरे वीडियो पे बने रहें। अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए। ये मैं रैक बनाई हूँ, खुद से बनाई हूँ इसमें रस्सी बांध के, क्योंकि मेरे किचन में एक ही रैक है तो उसमें मैं खाना बनाती हूँ। फिर मेरे इतने डब्बे डुब्बी है तो उसको कहाँ मैं रखूँ, तो इसलिए मैं वहाँ पर बांधती हूँ। लेकिन पता है वहाँ पर अच्छा नहीं लगता है देखने में, कोई उधर से आता है गेट के पास से तो डायरेक्ट इस पर नज़र पड़ता है, तो मैं सोच रही हूँ उसको हटा दो। और नीचे मैं रखती हूँ तो नीचे चीकू नहीं रहने देता है, सारे को फेंक देता है। तो मैं इसके लिए एक उपाय की हूँ, दिखाती हूँ आपको। तो मैं यहाँ पर कील लगाई हूँ इसमें और यहाँ पर मैं इसको बांध दूँगी और यहाँ से हटा दूंगी, क्योंकि यहाँ पे अच्छा नहीं लगता मुझे। और इसको भी सफाई करना है, फ्रिज पे सामान मैं रख दी हूँ तो इस सबको भी आज ठीक करूँगी, क्योंकि चीकू कुछ करने नहीं देता है, उसके कारण ऐसे हो जाता है, कोई काम नहीं होता है। उसको संभालूँ कि काम करूँ, बहुत अकेले रहना, बच्चे को संभालना बहुत मुश्किल होता है। फिर क्या करूँ, जब ये सो जाता तो कर लेती हूँ। हाँ बोल रहा, हाँ इसका शिकायत कर रहा है ना, इसलिए बोल रहा है। डब्बे को क्या कर रहा है, उठा लिया एक डब्बा। वही क्या रहे हो, क्या खा रहा है बेटू? नहीं गंदी बात, मम्मा को किच्छी कर दो, मम्मा को किच्छी, चीको मम्मा को किच्छी। लव यू बेटा, लव यू। खुश हो गया मम्मा को किच्छी करके। तो चलिए किचन की सफाई करते हैं। हाँ चीको क्या कर रहा है, पहले इसको हटा लेते हैं सारे को। हेलो गाइस, तो अभी शाम के 4 बज गए हैं और मैं अभी पकौड़े बनाने जा रही हूँ, क्योंकि इस मौसम में पकौड़े खाने का बहुत मन करता है। तो ये बंदा गोभी है, ये आलू है और ये प्याज है, तो मैं इसी का पकौड़े अभी बनाऊंगी। और इसकी पकौड़ी मुझे बहुत अच्छी लगती है। पहले बंदा गोभी को हम धो लिए हैं, उसके बाद काटेंगे। अगर आपको भी पकौड़े पसंद है तो आप जरूर इस तरीके से बनाइए, बंदा गोभी का पकौड़ा बहुत टेस्टी होती है ना बेटू? चीकू भी खा रहा पकौड़े। क्योंकि इसको मीठा चीज पसंद नहीं है, बस चटपटा खाता है ये। अभी एक आलू इसमें डालेंगे, पहले आलू को हम छील लेंगे। बेटू स्वेटर हिल जाएगा ना, फिर ठंडा लगेगा आपको, फिर मुझे कपड़ा चेंज करना पड़ेगा। मामा को तो परेशान करते रहता है पूरे दिन, इतना कपड़ा गंदा करता है ये लड़का। मेरा कपड़ा धोते धोते हालत खराब रहता है। अभी भी आलू है, इसको हम पतला पतला से काटेंगे, ज़्यादा मोटा नहीं काटेंगे, नहीं तो फिर ये पकेगा नहीं अच्छे से। एकदम पतला पतला काटना है इसको। तू भी खाएगा
पको ना चीकू काय का पको रहा है नहीं 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 चीकू गिर गया ना भी चोट लगा है ना फिर तुमको इस मिर्ची लगेगी फिर रोएगा ये भैया चीकू को बोलने आते हैं प्याज आंख में लगती है मैं प्याज काटती हूँ तो मेरी आंख में बहुत लगती है प्याज चीकू आंख में लग गई प्याज अच्छा तो आपको भी लग जाएगी तो ये सारे सब्जी हम काट लिए हैं इसमें अभी हम इसमें बेसन मिलाएंगे हल्दी मिलाएंगे नमक मिलाएंगे अजवाइन थोड़ा सा डालेंगे और जीरा पाउडर डालेंगे और इसका देखिए तो सारे को मिक्स कर लिए इसमें और इसका छोटे छोटे पकौड़े बनाएंगे हम छोटे छोटे पकौड़े बनाएंगे ये देखिए पकौड़ा बन के रेडी है कितनी अच्छी पकौड़ा बनी है ये खाने में भी बहुत टेस्टी होती है तो आप लोग जरूर ऐसे पकौड़े बना के खाइए और हम पकौड़े को खाएंगे धनिया की चटनी के साथ ये हम धनिया की चटनी बनाए हुए हैं इसके साथ खाएंगे तो हम जाने पकौड़े खाने चीकू घूमी घूमी जा रहा था हम लोग तैयार हो गए हैं और अभी जा रहे हैं घूमने यहीं पे पास में ही जा रहे हैं तो चीकू को भी तैयार कर दिए हैं और इसको कपड़ा पहनाने में बहुत टाइम लगता है इसको एक टिक्का कर देते हैं ये आईलाइनर से इसका टिक्का करते हैं नहीं तो ये काजल से लगाते हैं वैसे करके पोंछ लेता है तो हम आईलाइनर से इसको टिक्का लगा रहे हैं टिक्का कर लिया चीकू ये स्मार्ट बन गया ई चीकू घूमने जा रहे हैं हाँ चीकू को घूमने में बहुत मन लगता है ना बिटू सबसे पहले लाइफ इंश्योरेंस चलो चलते हैं तो हम ब्लॉग को यहीं पे एंड करते हैं आपको कैसी लगी प्लीज कमेंट करके जरूर बताइएगा अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब कर दीजिएगा तब तक के लिए बाय चिकू बाय करो बेटा बाय